वेलकम टू मी हर्षी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो एमबीओ इन एमबीओ अप्रोच सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली आइडेंटिफाई द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। दे डिफाइन इंडिविजुअल्स मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, ब्रिंग मोर क्लैरिटी, टेक्स People into confidence। अब इतने सब का मतलब क्या हुआ भाई? तो मतलब ये हुआ कि MBO में यानी कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव जो अप्रोच है उसमें क्या होता है कि सिर्फ सुपीरियर ही ऑब्जेक्टिव तय नहीं करते, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे काम कर रहे हैं दोनों मिल के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पता लगाते हैं। उसके बाद वो लोग हर एक अलग अलग लोग का काम निर्धारित करते हैं कि आपका ये काम है, आपसे ये आशा किया जाता है। इस वजह से होता क्या है कि क्लैरिटी ज्यादा आता है और लोगों को जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको काम करने में मजा आता है, भरोसा आता है। वही है कि टेक्स पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। एमबीओ जो है एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो वही लिखा हुआ है कि एमबीओ इज अ रिजल्ट सेंटर्ड प्रोसेस। ऑल आर टू बी अवेयर ऑफ द फंडामेंटल चेंज इन द थिंकिंग फ्रॉम डूइंग टू रिजल्ट। यानी कि सबको पता होता है कि करना कैसे है और क्या करना है। ये जो पूरा सोच है ये उस एंटरप्राइज के, उस कंपनी के हर एक वर्कर है, वो कितना भी हाई लेवल पे हो कितना भी लो लेवल पे है उनको पता होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्या क्या स्टेप होते हैं? तो पहला स्टेप है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। First, the top manager setups the goal for the enterprise for a given period. It may be long term or short term. यानी कि पहला काम होता है कि टॉप मैनेजर जो है enterprise का यानी कि उस कंपनी का long term या फिर short term goal ठीक करता है। After that, this process of setting the objectives is repeated at the lower level. उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव सेट करने का प्रोसेस था ये ऊपर से लोअर लेवल में ले आया जाता है, जहां पे जो सबऑर्डिनेट्स है वो देखते हैं कि जो बॉस ने गोल सेटअप किया है वो क्या हम कर पाएंगे और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। देयर विल बी एन अनरिटन एग्रीमेंट बिटवीन द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट एज टू व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड। उसके बाद सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में जब दोनों साथ मिलके ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लेंगे तो उनके बीच में अनरिटन एग्रीमेंट होगा कि क्या कितने टाइम के अंदर में अकम्प्लिश करना है। अगला पॉइंट है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्लैरिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल रोल। तो नो वन कैन रीच एन एम्बिगुअस गोल, तो ऐसा गोल जो कि क्लियर ना हो उसको कोई भी अटेन नहीं कर सकता। Each goal and sub-goal should be a person's responsibility. एक goal और उस goal का भी जो टुकड़ा है, हिस्सा है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो भी एक एक आदमी का जिम्मेदारी होना चाहिए, वो भी clear कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ताकि ambiguous ना हो। It is very simple to establish a relationship between the expected result and the responsibility for attaining them. तो ये बहुत आसान है या फिर जरूरी है, necessary है कि रिलेशनशिप स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए जो रिजल्ट हमको चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे जो हमको वो रिजल्ट ले आके देगा। एंड इफ द नीड मे बी देन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मे हैव टू बी रिवाइज्ड, और अगर जरूरत हो तो काम जिसको दिया गया था उसमें फेरबदल भी किया जाएगा यदि एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले तो। अगला पॉइंट है सेटिंग सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स फॉर सबऑर्डिनेट। Once the general objectives, strategies, planning premises, etc. are clearly set and communicated to the subordinate managers, the superiors are to help the subordinate to develop consistent and supportive objectives. मतलब एक बार general objective जो attain करना है, strategy कैसे attain करना है, planning premises की आगे क्या गलत हो सकता है, बाहरी factors क्या influence कर सकते हैं, ये सब जब ठीक से set कर लिया जाता है और subordinate जो नीचे level के manager है उनको बता दिया जाता है, उसके बाद superior का काम होता है कि जो subordinate manager है उनको constantly जो है
सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स दे कि अब तुमको ये करना है, ऐसे करना है. अच्छा, उनको ये जबरदस्ती थोपना नहीं है. दे हैव टू बी पेशेंट काउंसलर्स, मतलब समझा समझा के करवाना है. द सुपीरियर्स जजमेंट एंड द फाइनल अप्रूवल मस्ट बी बेस्ड ऑन व्हाट इज रीजनेबली अटेनेबल, व्हाट इज फुली सपोर्टिव ऑफ अपर लेवल ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज कंसिस्टेंट विद द लॉन्गर रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी. मतलब कि जब सब कुछ सेटअप कर लिया गया है और अब सब गोल्स को अटेंड करने के लिए सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव्स सबऑर्डिनेट्स को दिया जा रहा है, तो जो सुपीरियर का जजमेंट होगा और फाइनल अप्रूवल होगा, वो उस चीज पे निश्चित होगा कि क्या इस चीज को अटेंड किया जा सकता है कि नहीं. ये इम्पॉसिबल गोल तो नहीं है. अच्छा, क्या ये जो चीज है हमारा जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, अपर लेवल ऑब्जेक्टिव, उसको अटेंड करने में हेल्प करेगा कि नहीं. और क्या ये जो सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव है, ये लॉन्गर रन जो दूरदर्शी ऑब्जेक्टिव है, जो दूर का इस डिपार्टमेंट कंपनी के इस डिपार्टमेंट का जो लॉन्ग रन का काम है, उसको अटेंड कर पाएगा कि नहीं, इस चीज को देखकर सुपीरियर का जजमेंट और फाइनल अप्रूवल आता है. फोर्थ स्टेप इन MBO इज रिसाइकलिंग ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सेटअप किया गया था उनमें से कुछ को डिलीट किया जाए, कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स लगाए जाए, ये काम. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ जॉइंट प्रोसेस वेयर द सुपीरियर एंड द सब ऑर्डिनेट इन्वॉल्विंग ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है एक जॉइंट प्रोसेस है, इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं मिलजुल के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने में. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो टॉप से एकदम डिसाइड कर लिया गया और नीचे आते आते डिवाइड किया जा रहा है. मतलब ऑब्जेक्टिव को ऐसा नहीं है कि सेट कर दे आप टॉप पे और डिवाइड देम इनटू सबऑर्डिनेट, ये नहीं किया जाता. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि नीचे से ऊपर की तरफ में जाया जाए. इसीलिए यहाँ पे एक डिग्री ऑफ रिसाइकलिंग का जरूरत होता है. टॉप मैनेजमेंट मे हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट देयर सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी, बट दे विल बी ऑलमोस्ट सर्टेनली चेंज दिस प्री कंसीव्ड गोल्स एज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स कम इन टू फोकस. मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कुछ आइडिया होगा कि सबऑर्डिनेट को क्या करना चाहिए, बट वो ये चीज सबऑर्डिनेट पे थोप नहीं देंगे. वो लोग इसको जब सबऑर्डिनेट क्या चाहता है, सबऑर्डिनेट कैसे क्या करना चाहता है, इसको जब उनकी उन्हें जानकारी होगी, तो इस हिसाब से उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेटअप किया था, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो उसको ये चीज देख के चेंज करेंगे. ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग ऑब्जेक्टिव्स. अगला स्टेप है MBO में फीडबैक प्रोसेस. तो द सुपीरियर्स शुड रिव्यू द मिशन ऑफ द एंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, दैट इज KRA. फीडबैक प्रोसेस नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपको फीडबैक लेना है. सबऑर्डिनेट जो काम किया वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कितना अटेंड हो पाया, इस चीज को हम लोग फीडबैक लेते हैं. तो वही है कि सुपीरियर जो है उसको मिशन ऑफ एंटरप्राइज को रिव्यू करना होता है इन टर्म्स ऑफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज. अगर मतलब ना भी समझ में आए तो KRA एकदम रट के रखना है. टाइमली असेसमेंट इज टू बी मेड एंड करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन एंड लास्टली द फाइनल रिव्यू में प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड. मतलब समय समय पे आपको असेसमेंट करते रहना है. असेसमेंट करके जो भूल दिखे वहां पे करेक्टिव एक्शन लेना है, और ये सब करने के बाद जो फाइनल रिव्यू होगा वो आपको काम को अटेंड करने में सुविधा दिलाएगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और रिवॉर्ड मिलेगा. सो टू समराइज द स्टेप्स फॉर MBO अप्रोच आर: First, setting the objectives. Second, analyzing organizational structure and clarifying the organizational role. Third, setting supportive objectives for subordinates. Fourth, recycling objectives. And fifth, feedback process. That's all for this video. If you are new here, consider subscribing the video. I make videos for mechanical engineering undergraduates or to be general undergraduate. You must find something new on my channel, so consider subscribing. You won't regret it, I promise.